ओके, गुड इवनिंग एवरी वन स्टूडेंट। आज जो है केबल से हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स कवर हो चुका है, रिक्वायरमेंट ऑफ केबल्स भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमें बात करनी है कि कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल एंड मल्टी कोर केबल क्या होती है। ठीक है, जब हम कैपेसिटेंस निकालना सीख जाएंगे तो उसके हम दो इंटरलिंक हैं, इकोनॉमिक डायमीटर क्या होता है कोर का और डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है केबल की। ये दोनों टॉपिक इससे रिलेटेड हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द सिंगल मल्टी कोर केबल से। जब आप इन तीन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी ग्रेडिंग करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर हम ग्रेडिंग पे आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और फिर तीन अलग से जो अलग अलग टॉपिक्स हैं डिफरेंट, जो फिनोमिना होती हैं आपकी केबल्स में, जिसे कहते हैं आयनाइजेशन, फिनोमिना ऑफ डायलैक्ट्रिक लॉस एंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ केबल, इस पर हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ, रिक्वायरमेंट में भी बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या केबल्स में लगना है बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल एंड मल्टी कोर केबल क्या होती है। पहले हम सिंगल को निकालेंगे, फिर उसका इकोनॉमिक डायमीटर निकालना देखेंगे, और फिर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपका कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर आप देखें सिंगल कोर केबल जो होती है, बिल्कुल इसको ऐसा मान के चलें टू कोएक्सियल सिलेंडर से मिलकर बनी है। टू कोएक्सियल सिलेंडर किसे बोलते हैं, जिसमें एक इनर सिलेंडर होगा और एक बाहर का सिलेंडर होगा। ठीक है, बाहर का सिलेंडर जो होगा उस पर लैड शीट कवर किया गया होगा, और बीच में जो आपका आप देख सकते हो बीच में कंडक्टर है। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जो ओवरहेड लाइंस होती हैं उसमें वायर पे हमें कोई भी इंसुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाहर जो ऊपर वायर होते हैं वो सब हवा में रहते हैं तो उन्हें कूलिंग मिलती रहती है, तो वहाँ कोई इंसुलेशन की ज़रूरत है नहीं। अगर इंसुलेशन बढ़ाना है तो उनके बीच की डिस्टेंस हम आपस में बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इंसुलेशन तो हमें करना पड़ेगा, सीधे हम कंडक्टर नहीं डाल सकते कहीं पे भी ज़मीन के अंदर, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, पहले उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो हमने मान लीजिए एक कंडक्टर को एक अलग से सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और मान लेते हैं कि उस स्मॉल डी उसकी स्मॉल डिस्टेंस है, कैपिटल डी बाहर की डिस्टेंस है, और स्मॉल डी को मान लेते हैं कंडक्टर डायमीटर, एंड डी इज़ द टोटल डायमीटर विद शीट। जब शीट लगाने के बाद उसकी ओरिजिनल डायमीटर हो जाएगी कैपिटल डी। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है चार्ज पर मीटर, यहाँ पे चार्ज जो है उस कंडक्टर में हम जो चार्ज दे रहे हैं, और परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, एक होता है परमिएबिलिटी एक होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी जो होती है वो क्या बता रही है, मटेरियल की क्वालिटी किसके बीच में है, कोर और शीट। यहाँ कोर बार बार यूज़ होगा, आपको ध्यान देना है, कोर का मतलब यहाँ पे क्या है, कोर का मतलब यहाँ कंडक्टर से है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो मान लेते हैं कि एक ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, थिकनेस मान ली है मैंने स्मॉल dx। आपने 12th क्लास में गॉस लॉ पढ़ा होगा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी जो होती है क्यू अपॉन सरफेस एरिया। तो यहाँ जो सरफेस एरिया होगा क्यू अपॉन 2πx। ओके, और फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, अब आपको याद होगा एक हम डी पढ़ते थे और एक ई पढ़ते थे, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डी होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है आपका वो होता है एप्सिलॉन का। ये आपको ध्यान हो कि फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या निकलता है, एप्सिलॉन निकलता है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब किसी वायर को हम ले जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, जैसे सिंपल सी मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मान लीजिए कोई हवा में कोई कंडक्टर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको वो क्या करेगी, दूर करने की कोशिश करेगी या ब्रेक करने की कोशिश करेगी। तो आसपास तो एयर है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, या तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज होगा तो आयोनाइज कर देगी एयर को। बट केबल में क्या प्रॉब्लम है, केबल में आप आजू बाजू जो इंसुलेशन लगाओगे तो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, बाहर के कंडक्टर जो है इंसुलेशन है उसको ब्रेक करेगा, या फिर जैसे अगर उसको डिस्ट्रॉय करेगा, वीक करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी कंडक्टर की कितनी निकल रही है उस पर हमारा इंसुलेशन ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा बेटा क्यू अपॉन 2πx एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम ये लगा, एक और चीज़ लिख लीजिए,
कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है इंसुलेशन पे, कि कितना फोर्स लगाने पे इंसुलेशन ख़राब ना हो। ठीक है, अब जैसे आगे आप देख सकते हैं वोल्टेज, वोल्टेज जब मैं निकालूंगा तो आपको पता होगा, ये भी आपने पढ़ा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक 12th क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप इंटीग्रेशन कर दें विथ लिमिट्स तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक निकालूंगा, डी बाई टू से डी अपॉन टू के बीच में, ठीक है, इतने ही रेंज के बीच में हमें निकालना है क्योंकि इंसुलेशन हमने इसी रेंज में भरा हुआ है। तो यहाँ से जब आप इसका ये जो जी एक्स, व्हाट इज़ जी एक्स, जो वैल्यू है आपकी, यहाँ से जो वैल्यू है आप यहाँ रखोगे, तो ये जो वैल्यू मैंने जब यहाँ रखा तो ये क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर एल एन कैपिटल डी अपॉन डी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का भी आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं बी ट्रिपल ई से कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी आपके पास आ चुका है, तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल रहा होगा क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन एल एन डी अपॉन स्मॉल डी। अब जो ये फॉर्मूला है जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो बेसिक फार्मूला आप जो देख रहे हैं, ये वी वाला सबसे ऊपर वाला, इसी फॉर्मूले से हम अंदाज लगा लेंगे कि अगर हम जो इंसुलेशन डाल रहे हैं कंडक्टर के पास में केबल में, तो वो सुरक्षित है कि नहीं है। आइए, तो अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके और कैपेसिटेंस में सिंगल कोर के लिए हमने ये फॉर्मूला जो निकाला है वो सिंगल कोर के लिए निकाला है, थ्री फेज के लिए हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपने सर्किट क्वेश्चन पे। अब आ जाइए, इसी के आगे हम बढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है केबल के अंदर, ठीक है, मान लीजिए आपकी केबल काम कर रही है, वो पिछला ही डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और नोट करने वाली बात यहाँ से आती है कि कंडक्टर के पास में जी मैक्स सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते हैं तो उसका जी मिनिमम हो जाता है, जी वॉट इस इंटेंसिटी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ केबल, मान लेते हैं कि केबल काम कर रही है, केबल के आजू बाजू में इंसुलेशन लगाया है, पहला एक और क्वेश्चन क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि ताकि क्या ना हो, आपका उस पर कंडक्टर पर इफेक्ट ना पड़े। डायरेक्ट आप कंडक्टर नहीं डाल सकते, जैसे अभी हवा में आप कंडक्टर लटकाते हो वैसा आप ज़मीन के अंदर नहीं डाल सकते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन करना पड़ेगा। और उस इंसुलेशन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी काम करने की, कि बाजू में जो कंडक्टर रखा है उसकी जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी या फिर उसको वीक करने की कोशिश करेगी। तो इसी लॉस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। डाइलेक्ट्रिक मतलब जो आपने इंसुलेटर डाल रखा है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन अ केबल्स, इन फैक्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट पॉइंट सी, मान लेते हैं कोई केबल है, ठीक है, कोर, या कोर बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोर का मतलब क्या है, कंडक्टर जो बीच में होगा, ठीक है। कंसीडर द सिंगल कोर केबल विथ डायमीटर स्मॉल डी, और इंटरशीट लगा दिया, इंटरशीट क्यों लगाई अपन ने, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया, तो उसकी ओवरऑल डिप कितना हो गया, कैपिटल डी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये हम ड्राइव कर चुके थे, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और वोल्टेज डिफरेंस भी हम कर चुके थे। तो अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालूँ, क्यू की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो आपकी क्यू की वैल्यू आएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू टू पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर वी अपॉन लॉग एन कैपिटल डी अपॉन डी। जो ये क्यू की वैल्यू है, इस क्यू की वैल्यू को मैं कहाँ रखूँगा, ये रखूँगा मैं ई एक्स में, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो ओवरऑल आप रखोगे तो जैसे ही ग्रेडियंट जो भी ई एक्स ई निकलेगा वो निकलेगा कैपिटल वी अपॉन एक्स लॉग एन डी अपॉन डी। अब इस डायग्राम से मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखिए इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे देखिए इस चीज़ को, इस डायग्राम से हमें क्या फॉर्मूले से समझ में आ रहा है, देखिए ये जो आप देख रहे हो ये एक्स, इससे ये पता समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक्स को बढ़ाऊँगा, मतलब जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा तो जी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्लियर हो रहा है, मतलब कंडक्टर के अगर हम पास में रहेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा, दूर जाएंगे तो धीरे धीरे कम होगा। यानी कि इससे ये क्लियर हुआ कि पास वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जल्दी ख़राब होगा पास वाला कंपेयर टू दूर वाले के। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सबको बराबर स्ट्रेस मिले। देखिए अगर ऐसा होता एक को काम ज़्यादा मिले एक को कम मिले, उससे क्या होगा, जिसको काम ज़्यादा मिल रहा है वो जल्दी ख़राब होगा। इसलिए हमें क्या करना है, इस रेंज में जितने भी अपन इंसुलेटर डालें उनको बराबर जी मैक्स मिले, जी मैक्स या जी मिले या इंटेंसिटी मिले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो सबके लिए।
तो इस फॉर्मूले से आपको ये फार्मूला मिलता है, या आप देख सकते हैं जी मैक्सिमम क्या होगा। देखिए एक चीज़ फिर से, जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ देखिए जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा भाई, डी पे, ये डी पे होगा मतलब कंडक्टर पे, इसलिए इसने एक्स की वैल्यू कितनी रख दी यहाँ पे, डी रखी हुई है। जी मिनिमम कहाँ पे होगा, जी मिनिमम पूरे कैपिटल डी पे होगा, ये आप देख सकते हैं। जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, पूरे ओवरऑल कंडक्टर पे बात होगी, ठीक है। सो जी मैक्स अपॉन जी मिनिमम इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन डी, क्लियर हो रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हो कि अगर मैं कैपिटल डी को बढ़ाऊंगा तो जी मैक्स भी यहाँ से बढ़ेगा, क्लियर। एक चीज़ क्लियर हो रही है आपके लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपका, कि भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी करती है केबल्स में, क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो कंडक्टर के, या कंडक्टर को बोलते हैं कोर, कोर के चारों ओर आप क्या कर रहे हो, बहुत सारा इंसुलेशन तैयार कर रहे हो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है आपको, एक चीज़ समझ में आगे होगी कि जो केबल की डायमीटर है उसकी साइज़ अगर आप ऐसा रखें कि उससे कॉस्ट भी कम हो जाए, तो उसके लिए एक फार्मूला है कि आप चाहें तो एक इस फॉर्मूले का यूज़ करके केबल की साइज़ में इकोनॉमिकल डायमीटर ले सकते हैं। इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट भी बच जाएगी, लॉसेस भी बढ़ जाएंगे और आपके ओवरऑल कॉस्ट भी बच जाएगी। तो फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस इन केबल एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर, हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि कंडक्टर के सरफेस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज इकोनॉमिक्स डायमीटर ऑफ केबल्स पे बात करते हैं, आगे आइए। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो आपने फॉर सेफ वर्किंग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेशन शुड बी मोर देन द मैक्सिमम स्ट्रेस। देखिए इसने कितनी अच्छी बात बोली है कि अगर आपको सेफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रखनी है किसी भी इंसुलेटर की, तो क्या होना चाहिए आपको, आपको उस क्या करना पड़ेगा, उसका डायमीटर छोटा करना पड़ेगा। डायमीटर कितना, बिल्कुल छोटा भी नहीं कर सकते, डायमीटर छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी, है ना, मगर बिल्कुल भी छोटा नहीं कर सकते। तो एक इकोनॉमिक, कितनी इकोनॉमिक में हम रख सकते हैं, तो देखिए इनने निकाला है कंडक्टर डायमीटर डी टू बी ओनली वेरिएबल गिवन इन वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा होगा आपने, एम वन एम टू में पढ़ा होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू डी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डी अपॉन डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ई के बराबर आ जाएगी, और ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718, और स्मॉल डी के बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल डी अपॉन 2.718 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिकल डायमीटर इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन 2.718, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखिए, अब इसके बाद जो है अगली मेथड्स जो है, मैं बस आपको ओवरव्यू दे दूंगा, ये आपको आगे काम में मैं अगले लेक्चर में दूंगा आपको, कि ग्रेडिंग, ग्रेडिंग अब आपको समझ में आ गया होगा ग्रेडिंग क्यों करते हैं। अब भी बताया मैंने आपको, क्योंकि एक जगह कंडक्टर के पास का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या फिर स्ट्रेस ज़्यादा है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस ज़्यादा है कंपेयर टू उसके लास्ट पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे इसमें ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग मतलब बराबर ऐसा कुछ करेंगे, ऐसी कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वी आर इंजीनियर्स, तो ऐसी कुछ तैयारी करेंगे कि सब जगह का पोटेंशियल बराबर हो। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेडिंग यूज़ करना पड़ेगा, और आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग ऑफ द जो केबल है, ग्रेडिंग ऑफ द जो केबल है, इसमें हम यही चीज़ करते हैं कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस बराबर हो, और इसको करने से हमें ये फ़ायदा है कि ओवरऑल स्ट्रेस जो होता है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तो इसमें हम इसको कहते हैं ग्रेडिंग, और एक बार फिर से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं जो अभी तक अपन ने पढ़ा। मैंने आपको तीन चीज़ें पे बात करी, सबसे पहले मैंने आपको कैपेसिटेंस निकालना बताया सिंगल फेज का, फिर मैंने आपको बताया डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए एक बार बार दो ही तीन चीज़ें बस आपको ध्यान देनी है पूरे केबल में। नंबर वन ये कि आपका जो केबल है उसमें जो स्ट्रेस होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे ज़्यादा होता है, दूसरा बाहर कम होता है, ठीक है। और इसको दूर करने के लिए ऐसा, अगर एक पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा तो वो इंसुलेटर जल्दी ख़राब हो जाएगा, इंसुलेशन मटेरियल जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो उसको दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग से सारे इंसुलेशनों पे बराबर बराबर स्ट्रेस आएगा और इससे आपकी केबल ज़्यादा समय तक ख़राब होने से बच जाएगी, ठीक है। और कुछ जो बेसिक फार्मूले आपको ध्यान देने हैं वो ये बेसिक फार्मूले एक बार फिर से मैं ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ। पहला तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन 2.718। स्मॉल डी क्या है यहाँ पे, स्मॉल डी यहाँ पे इकोनॉमिक
डायमीटर, मतलब इकोनॉमिक डायमीटर है ये, ठीक है, मतलब ये रिलेशन है। ये स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। कैपिटल डी क्या है यहाँ पे, जब आप पूरा उसको शीट वगैरह सब लगा लोगे तब वो कैपिटल डी कहलाता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो इस रिलेशन से आप इकोनॉमिक डायमीटर निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसमें जो काम का था आपका, वो था ये वाला, जी मैक्स अपॉन जी मिनिमम इज इक्वल टू डी अपॉन डी। इसमें ये फॉर्मूला ये बताना चाह रहा है कि अगर आप क्या करेंगे, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ाओगे, ये वाली डिस्टेंस बढ़ाओगे, जी मैक्स कम होता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमने पढ़ा इसमें, एक ये फार्मूला आपने देखा होगा, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इस फॉर्मूले में भी आपने यही बात करी थी कि जी कैसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। गॉस लॉ से हमने ड्राइव किया था ई एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन एक्स, ये हमने ड्राइव किया था, ठीक है। और दूसरा जो मेन फार्मूला है वो ये है, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर लॉग एन कैपिटल डी अपॉन डी, ठीक है। चलिए अगला अपन इस पर आगे डिस्कस करते हैं इसी के आगे कि ग्रेडिंग क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग। चलिए आइए, तो ग्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रेस इन द इलेक्ट्रिक ऑफ केबल इज नोन एज ग्रेडिंग। मतलब ऐसा कुछ, ऐसी प्रोसेस जिससे सभी पे स्ट्रेस बराबर हो केबल में, ऐसी प्रोसेस को ग्रेडिंग कहते हैं, क्लियर। मतलब हर जगह का जी मैक्सिमम इक्वल हो, बराबर हो। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अनइक्वल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन केबल इज आप अनडिज़ायरेबल। सो फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली इंसुलेशन ऑफ ग्रेटर थिकनेस इज रिक्वायर्ड विच इंक्रीज केबल साइज। ज़्यादा अब देखो, आप इंसुलेशन भी नहीं बढ़ा सकते आप लोग ज़्यादा, अगर आप लोग कंडक्टर के पास में बहुत ज़्यादा इंसुलेशन डाल दोगे क्योंकि वहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है तो वो भारी हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसमें दो मेथड होती हैं, एक होता है आपका कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और दूसरा होता है आपका शीट ग्रेडिंग। ये आप देख सकते हैं शीट इंटर शीट ग्रेडिंग, ये दोनों जो मेथड हैं ये बहुत ही ज़्यादा काम की हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो, नाम ही से समझ में आ रहा होगा, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करेंगे और दूसरा क्या होगा आपका, इंटर शीट ग्रेडिंग करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हम ग्रेडिंग क्यों करें। ग्रेडिंग इसलिए करना ज़रूरी है ताकि सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बराबर बराबर मिले। तो इसे हम अगले लेक्चर में देखते हैं, और किसी में किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज़ शेयर करें, है ना। थैंक यू।